हे व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 17 दिसंबर। फिलहाल मैं कॉलेज के लिए रेडी हो गया हूँ। अभी अराउंड 8:30 हो चुका है, तो अभी निकलूंगा। एंड मेरा फर्स्ट क्लास जो है 9 को है, जो कि इंग्लिश का क्लासेस है। एंड उसके बाद अकाउंट्स का क्लासेस है। अकाउंट्स का क्लास खत्म होने के बाद IT का है, पर वो मैं IT लिया नहीं हूँ। मैं लिया हूँ फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो एंटरप्रेन्योरशिप का क्लास है नहीं, तो मैं आ जाऊँगा सेकेंड क्लास खत्म होते ही। एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स जो IT लिए हैं, तो उन लोग रुकेंगे, वरना बाकी सब आ जाएंगे। फिलहाल मैं जो है अभी निकलता हूँ। अराउंड 15 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा कॉलेज। देन आपको आज कॉलेज के शॉर्ट्स दिखाऊंगा। गाइस, कॉलेज तो आ चुका था, अराउंड 1 घंटा हो चुका है कॉलेज आ गए। पर मार्केट गया था, थोड़ा बहुत काम था। मम्मी का मेडिसिन लाना था, जो कि फार्मेसी वाले लटका दिए थे। तो फिर अभी टिटलागढ़ में जो है मेड प्लस का जो है फ्रेंचाइजी खुल गया है, तो वहाँ अवेलेबल हो जा रहा है, पर थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है मेरे को। एंड फार्मेसी तो बहुत घटिया हो गया भाई मेरा। इतना दिन से मतलब उनके साथ चल रहा है ना कॉल में बात करना, कस्टमर सपोर्ट एकदम घटिया हो गया। पहले जब न्यू था, मैं फार्मेसी काफ़ी अच्छा था, टिटलागढ़ में काफ़ी फास्ट डिलीवरी भी था, एंड कस्टमर सर्विस वाले भी अच्छे से बात करते थे। अभी तो एकदम घटिया हो गया है। थिंक कि हर जगह पे ऐसे फ्रेंचाइजी खुल जाना चाहिए। एंड ये जो ऑनलाइन कोर्स है ना, ऑनलाइन फार्मेसी कोर्स, ये सब बंद हो जाना चाहिए भाई। इतना वर्स, या तो इनको इनकी सर्विस को अच्छी करनी चाहिए। 10 दिसंबर को मेरे घर से इन लोगों ले चुके थे पैकेज, एंड आज 17 दिसंबर हो गया है, पर वो पैकेज उनके पास नहीं पहुंचा है। तो वो मेरा जो रिफंड अमाउंट है, मुझे अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं किए। इनफैक्ट मैं जो प्रोडक्ट परचेज़ किया था, तब मैं इनको ऑनलाइन पेमेंट किया था, तो जो विदिन 1-3 वर्किंग डेज में जो है ऑनलाइन पेमेंट आप किए होते, तो आपके ट्रांजेक्शन ID पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। पर इन लोग अभी नहीं किए। एंड फिर मैं इनको बोला भी था कि मेरे फार्मेसी वॉलेट पे दीजिए, तो इन लोग वहाँ भी नहीं दिए मुझे अभी तक। इन लोग बोल रहे हैं हमको जब तक प्रोडक्ट रिसीव नहीं होगा, तो हम आपको आपका पेमेंट नहीं देंगे। वो उसको 7 दिन लगेगा वेरिफिकेशन के लिए, 8 दिन लगेगा, ऐसे ऐसे बहाने बनाते जा रहे हैं फिलहाल तो। और जब भी आपके फार्मेसी का जो रिफंड है आपके फार्मेसी वॉलेट में लेना चाहते हो, तो आपको इंस्टेंट रिफंड मिल जाता है। आपके घर से प्रोडक्ट पिक होने के बाद अराउंड 24 आवर के अंडर ही आपको जो है आपका रिफंड मिल जाता है। पर नहीं देता इस बार, इन्होंने क्या किए हैं या कुछ नया रूल बना लिए हैं, जिसकी वजह से मेरे को अभी तक मेरा रिफंड 7 दिन हो गया रिसीव नहीं हुआ है। पहले आज का जो ब्लॉग था अराउंड 7:30 को मैं पब्लिश कर लिया था सुबह। एंड फिलहाल कुछ दिन से देख रहा हूँ मेरे वीडियोस पे जो है व्यूज धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं। वेल, अगर मेरे से कोई गलती हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, जिसकी वजह से मैं मेरे कंटेंट को और थोड़ा डेवलप कर पाऊँ, जिसकी वजह से आपको भी देखने के लिए मेरा कंटेंट अच्छा लगे। वेल, मुझे आपका सजेशन प्लीज़, या आपका फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन से दीजिए, जिसकी वजह से आगे हमारा कंटेंट और अच्छा बन पाए। अभी अराउंड 2:30 बज चुके हैं। अराउंड 2:15 को मेरा एक फ्रेंड का कॉल आया, जिसे काफ़ी टाइम हो गया बात नहीं हुआ था। एंड बात करते करते हुए कब 1 घंटा 8 मिनट हो गया हमको पता भी नहीं चला। अराउंड 2:15 को हम बात करना स्टार्ट किए, एंड 3:23 को हमारा बात करना ख़त्म हुआ। उसके बाद थोड़ी टाइम के बाद जो है गाय आ गया था, तो उसको बांध कर दाना मीन्स खाना दे दिया उसे। एंड अभी जो है बाहर आंगन में मैं लेटा टाइम पास कर रहा, क्योंकि दीदी शॉप में बैठे हैं, मम्मी घर पे हैं, उनका मत थोड़ा थोड़ा क्या उनको थोड़ा थोड़ी हाँ थोड़ा ठीक नहीं लग रहा।